अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला और आप लोग प्यारे मिठे सोने मेरे भाई हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला की जात आप पर, आपके वालदैन का साया कायम रखे और आप का जो साया है वो आपके बच्चों पर कायम रखे। बच्चे फूल जैसे, उनको हमेशा अल्लाह ताला की जात ठंडी हवाएं दे। मेरे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, किसी का भी बच्चा हो, अल्लाह ताला की जात वो जिंदगी में इतनी खुशियां मनाए, वो जिंदगी में आगे इतना जाए कि जो सर है ना वो फख्र से बुलंद हो जाए और कभी किसी के बच्चे को कोई दुख तकलीफ ना आए। वो कहते हैं ना कि कांटा भी ना चुभे। ये हमारी दुआ है आपके लिए। अल्लाह ताला की जात आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लाइक और कमेंट करना मत भूलें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना तो कम अज कम आप बिल्कुल भूलते भी नहीं है। दोस्तों, मैंने इस मामले में या इस पर कोई लफ्ज नहीं बोला था। ये जो अमार बच्चा, एक प्यारा फूल सा, नन्ना सा मुन्ना बच्चा, वो किसी भी बहस में आप जा सकते हैं। वो इस वजह से दुनिया से चला गया कि वो उसका बाप जेल में था, इस वजह से बीमार हो गया, पहले से बीमार था। ये बहस है, ये हकायक है, लेकिन जिस तरह पीटीआई कर रही है दोस्तों, मैं मजबूर हो गया हूं कि मैं इस पर लफ्जशाही करूं। और सबसे बड़ी बात, वो ही मियां बीवी, वो जो एंकर प्लाट लेने वाली मलक रियाज वाली और उसके हस्बैंड काशिफ अब्बासी, अब अंदाजा करें कि ये लोग कितने बड़े लाश फरोश हैं, लाशों पर सियासत करते हैं। अरशद शरीफ वाली लाश सियासत है, चलो अब इस पर नहीं मतलब कशाई की थी, नहीं की, लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा जिस पे आपने कोई बात नहीं, कोई व्लॉग नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं करता, तीन बच्चों का बाप हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि बच्चों पर इस किस्म की बातें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे तो ये लोग मतलब इनको सोशल मीडिया पे, मैंने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पे, मुझे वो कुछ 4-5-7 मिनट के बाद डिलीट करना पड़ा। उसके नीचे जो आकर यूथिये कह रहे थे, खुदा की पनाह है, जिसे कहते हैं ना कि इंसान अपने अंदर की दिल की या डर की हवा। मैंने कहा यार मैं इसमें कुछ लिखा भी नहीं है ऐसा, लेकिन मैंने उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया। बट एनी हाउ, बहुत सारी दूसरी बातें भी जो आपसे करनी है, लेकिन इसी से ही चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी गिद्धों से बहुत आगे जा चुकी, जैसा मैं कह चुका हूँ। ये अपने ही कारकुनों को तो खा जाती है, लेकिन आप इनके बच्चों की लाशों और बीमारियों को भी अपने गलीज मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। तहरीक इंसाफ के बलवाई 9 मई के मरकजी करदार अबाद फरूक, जो 9 मई वाले दिन फौजी अफसरान को बालों से घसीटने की धमकियां दे रहा था, जिसने जलाओ घिराव किया, रियासत की रिट को चैलेंज किया, इसके बीमार बेटे को फितना जमात ने मंजर बना लिया। आपने वो अबाद की वीडियो देखी है ना कि फेरी, वो मैं आ रहा हूं और तुम्हारे बालों से खींच कर, हम लोग लिबर्टी में जमा हो चुके हैं, आ रहे हैं तुम्हारे डर्टी हैरी। वो वीडियो सबने देखी हुई है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अबाद फरूक का बेटा अमार फरूक एक पदाइशी मर्ज में मुबतला था। वो मर्ज ऐसा होता है जिसमें आप बचपन में बच्चे को खसरे के टीके ना लगवाएं तो लाहक हो जाता है। अक्सर बच्चे कहते हैं नहीं जी नहीं लगवाने, ऐसी साढ़े बच्चे को तकलीफ होगी, ये होएगा वो। अक्सर लाडले बच्चों को, माँ बाप का पहला बच्चा हो या फिर जो भी रीजन हो, वो लोग मिस कर जाते हैं मोहब्बत में, प्यार में, कि नहीं जी। अच्छा, बच्चे को भी यही मर्ज लाहक हुआ और इसमें गर्दन तोड़ बुखार होता है। बताया जाता है कि अगर ये मर्ज लाहक हो जाए तो फिर ये ला इलाज होता है। बच्चा पैदाइशी बीमार था, लेकिन जब पीटीआई को पता चला तो उन्होंने पहले से इस बच्चे की बीमारी को बेचा, इस पर गलीज सियासत की, रियासत मुखालफ प्रोपोगंडा किया और फिर इस बच्चे की मौत के बाद लाश को बेच रहे हैं और इस बच्चे की लाश को एक्चुअली नोच रहे हैं। वैसे ही इस नन्हे फूल की लाश को बेच रहे थे जैसे अरशद शरीफ और जुल्ले शाह, दोनों याद होंगे आपको। जुल्ले शाह से मुतल्लक इनके अपने पीटीआई के रहनुमा ने बताया, मेरे ड्राइवर की गाड़ी से जाम हक हुआ, लेकिन फिर भी रियासत मुहालत प्रोपोगंडा किया गया। अब आबाद फरूक के बेटे की लाश के साथ भी वही कर रहे हैं। दलील दी जाती है, बाप बेटा गिरफ्तार था इसलिए बच्चा बाप की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका। अगर कुछ वक्त के लिए ये दलील मान भी ले जाए तो फिर बच्चे की मौत और बीमारी का जिम्मेदार तो बाप हुआ, पीटीआई भी जिम्मेदार हुई जिन्होंने रियासत पर हमला किया, फौजी तरसीबात चलाई। सबसे बड़ा जिम्मेदार तो इमरान खान है जिसने इन लोगों को उभारा, तैयार किया, रियासत पर हमला कराया, तो फिर खुद एहतसाबी क्यों नहीं करते? क्या इस दलील की बुनियाद पर कुलभूषण यादव को छोड़ दिया जाए कि इसके बच्चे जो है वो किसी मर्ज का शिकार है और कहीं खुदा ना करे कि वो मर जाए और जेल में पड़े तमाम कैदी रहा कर दिया जाए, कहीं इनके बच्चे ना मर जाए? दोस्तों, आपने जो ये अबाद साहब है, इनको देखा है कि इन्होंने रियासत मुखालफत में किस हद तक चले गए थे इमरान खान की मोहब्बत में, कि इन्होंने एक हाजिर ड्यूटी सर्विस
जो ऑफिसर है उनको कहा कि तुम्हारे बालों से घसीट कर, और उनके साथ बहुत सारे लोग दूसरे भी जेल में हैं। और जहां तक ये बात है कि बच्चा अगर मतलब बच्चा जी बच्चा बाप को मिस करके, और जनाब जब ये सब कुछ कर रहा था तब भी बच्चा बीमार था, तो खुदा का खौफ करें। जब ये बच्चा सब कुछ, आप वो बता रहे थे कि मई में मतलब के बच्चा गया और उसने लिखकर पेपरों पे अब्बा अब्बा लिख रहा था, और मई में ये तो 9 मई को ये हादसा हुआ है, तो नहीं 9 मई को बच्चा बाप को मतलब के वो करके लिख रहा है, उसके दूसरे बच्चे को ऐसा क्यों नहीं इश्क अपने बाप से? दूसरा बच्चा भी तो है ना, उसको इश्क क्यों नहीं है बाप से? वो इस बाप के इश्क में क्यों बीमार नहीं हुआ? इस पे देखे ना आप, जिस दिन बातें करेंगे फिर बाद में तकलीफ खुद को भी होगी कि यार ये बातें ना, लेकिन क्योंकि जाहिर है ये गंदे और गरीज लोग जुल्ले शाह वाली बात पे वो कहते हैं कि इमरान खान ने शाबाशी दी जो इमरान खान को जो ड्राइवर ने मारा कि अच्छा किया है, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए जो इमरान खान ने अपने घर पे कुल रखवा लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए, याद है आप लोगों को? और दूसरी तरफ इमरान खान को और यास्मीन राशिद को पता था कि ये हादसा है, लेकिन क्योंकि ये हादसा हो चुका था और वो जुल्ले शाह सोशल मीडिया पर आकर जिस तरह की बातें किया करता था, पीटीआई वाले पसंद करते थे, खान की पहली आवाज पे ये हो गया, खान को ये हो गया, खान के लिए ये कर दूंगा, तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा तरीका है, और जुल्ले शाह का बाप आज तक इंसाफ मांग रहा है और गालियां दे रहा है पीटीआई वालों को, और इमरान खान के लिए झोलियां भर भर कर बददुआएं दे रहा है। यास्मीन राशिद, इमरान खान, सब अपने अपने अब भुगत रहे। देखिए ये जो जेलें होती है ना, जो इस तरह लोगों को मिलती है, इनपे पीछे कुछ ना कुछ तो दुआ बदुआ होती है ना, अगर अल्लाह ताला की जात पर चले, ये पीटीआई का वतीरा है, इस पे हम क्या कर सकते हैं। खैर रही सही कचर जो है ना, वो कुछ दलाल, लफज दलाल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वाकई दलाल साफी हैं, वो पूरी कर रहे हैं जिनमें काशबाजी और मेहरबाजी सैर फहरिस्त है। उन्होंने पीटीआई के प्रोपेगंडे को आगे बढ़ाते हुए कल रात को शो कर दिए, और शो कर भी तो कम अज कम हकायक तो दिखाते, बताते कि बच्चा कब से बीमार था। इन दोनों ने वही किया जिससे रेटिंग मिलती है, जिससे पीटीआई के प्रोपेगंडे को तकवीयत मिलती है, जिससे पीटीआई मजीद हमलावर होती है, जो दोनों मियां बीवी रियासती मुजरम बने हुए हैं। एक क्लिप आप लोगों ने देखा होगा जिसमें काशव बासी की बीवी, जिसको प्लाट वाली एंकर कहते हैं, अबाद फरूक के भाई में अपने मर्जी के लफ्ज ढूंढ रही थी, यानी जो हकायक है ही नहीं वो जानबूझकर एक प्रोपेगंडा के तहत पेश किए जा रहे हैं ताकि अपने अजायम को पूरा किया जा सके। क्लिप आप लोगों ने सुना है, मैं यहाँ पे चलाना इसलिए नहीं चाहता कि उसमें फिर वो मतलब उनकी चीजें आ जाएंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो उसने किया वो आप लोगों ने देखा, जिस तरह की वो हरकतें हैं, जिस तरह के वो लोग करते हैं, लेकिन मैं अब क्या बताऊं इसको, मतलब इन चंद एंकरों का मसला पता ही क्या है, इन चंद बकाऊ, बल्कि अगर देखें ना ये जो खरीदे जा सकते हैं, चंद किरदारों ने इमरान खान को हीरो बनाया था और नवाज शरीफ को जीरो साबित करके जेल में डलवाया था। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने का बकायदा तौर पर इन लोगों ने फरीजा अदा किया था, अब वो कैसे नवाज शरीफ की अवामी पजीराई और इकतदार को हजम करेंगे? इन किरदारों की चीखों की असल वजह जो है ना वो थूक कर चाटना है इनको। मसला यह है कि इमरान खान के अलावा कोई अगर और आ गया तो हमारा क्या होगा, उन्हें अपने लाले पड़े हुए इस चक्कर में रियासत पर हमला आवर है। मैं अगर आप माजी में चले ना जरा तो देखें, ये उस वक्त कहां सोए हुए थे ये एंकर सारे के सारे, इमरान खान के दौर में, दौरे हुकूमत में, याद है वो मारे जाने वाले माँ बाप बच्चों के सामने इनके वालदैन को 82 गोलियां मारी गई थी, इस वक्त तो इमरान खान की रियासत मदीना थी, इमरान खान इस वक्त इन तमाम मुजरमान को माफ कर दिया बल्कि प्रमोशन भी दी थी। आपको याद है उसने क्या कहा था, कतर से वापस आकर इंसाफ दूंगा, उस वक्त तो ये मियां बीवी नहीं बोले थे। क्या वो वालदैन जो बच्चों के सामने 82 गोलियां मारकर और जिन्होंने मारी थी उनको प्रमोशन दी गई थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, बल्कि उस रियासत मदीना में, क्या तब भी इमरान खान को फौज ने रोका था या फिर यतीम बच्चों को फौज ने कुछ कहा था कि ना करें, माफ कर दें इन कातिलों को? इस वक्त भी इमरान खान का कहर ही मासूम बच्चे पर नाजर हुआ था और बार बार इमरान खान के अजायम आबाद की गिरफ्तारी की वजह बने। ये इमोशनल बहकावे बनाए होते हैं, आजकल हमारी नापुख्ता अकल वाली यूथ को इसमें फंसाते हैं और रियासत के खिलाफ चलता बम तैयार करते हैं। क्या साखिया साहिबाल में बच्चों को उनके वालदैन मिला दिए गए थे? क्या इन बच्चों को वालदैन की जुदाई पर बीमारी लाहक नहीं हुई थी? इसका जवाब कौन देगा, हिसाब कौन देगा? इस वक्त हुक्मरान कौन था? इमरान खान था। क्या जब क्वेटा में सारी रात सर्दी में 5 दिन के लिए लाशें रख के बैठे थे इमरान खान गया था? क्या जिद थी कि नहीं जाऊंगा, ब्लैकमेल नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये इमरान खान और इसकी पार्टी के हथकंडे हैं और ये खासतौर पर जो मियां बीवी हैं इनका यही काम है। अल्लाह ताला की जात उस नन्हे, मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि जो अब जो बच्चा इस दुनिया से चला गया उसकी जो कब्र है फूलों से भरी हुई है और उसके ऊपर बच्चा लेटा रो रहा है
और उसकी वीडियो वायरल है। अब अंदाजा करें, जरा अंदाजा करें कि उसके दूसरे भाई को कब्र के ऊपर लिटाया हुआ है, नजर कोई नहीं बंदा आ रहा, जाहिर है 50 बंदा खड़ा होगा वहां पे, फिल्म शूट हो रही है और वो शूट की हुई फिल्म है, उसको चलाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। लोगों के इमोशनल जज्बात, इस इमरान खान और इस इमरान खान की पार्टी का कुछ नाना किया गया, खुदा की कसम ये बंदा इतना जालिम है, मुल्क तोड़ने में भी तो कोई देर नहीं लगाएगा, अपने इख्तदार के लिए मुल्क के तीन टुकड़े कर देगा। बस मुझे एक हिस्सा मुल्क का दे दें जहां मैं अपनी हुक्मरानी चला के बैठूं, और उसके लिए ये जो कच्चे कम अकल और मैं कह रहा हूं कि कच्ची सोच वाले यूथ ही है ना, ये इनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको तो बस इमरान खान किसी भी सूरत में चाहिए। और जिस तरह से ये बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा की कसम शर्म आती है। लेकिन चले, अब इसमें क्या कहा जा सकता है, अल्लाह ताला की जात इनको हिदायत दे। यहाँ पे ना जो है वो बुजुर्ग जो है वो मान है, आजकल कुछ बुजुर्ग भी बड़े गर्म हुए हैं, फिर मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो गल लगा चली जाएगी, और उधर से ये कोई फर्क ही नहीं मतलब उन यूथियों में और उन बुजुर्गों में ये सारा कुछ कर रहे हैं। पता नहीं खाओ, इमरान खान के लिए बुरी तीन खबर का जिक्र करूंगा। इमरान खान से जब तोशा खान अल-कादर ट्रस्ट का हिसाब मांगा जाता है तो वो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी पर डाल देता है, कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, सारा काम इस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी का है। मुबीना तौर पर इस मिलिट्री सेक्रेटरी ने इमरान खान के खिलाफ नैब में बयान रिकॉर्ड करा दिया है और अब इमरान खान के खिलाफ केसेस मजीद मजबूत हो गया है। इमरान खान ने यहां भी मोहसिन कशी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आगे से करारा जवाब मिला है, और यह भी बताया जाता है कि गवाही फैज हमीद की भी होने वाली है या हो चुकी है। अब दोस्तों अंदाजा करो कि अगर वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब है उन्होंने अगर बयान दे दिया कि यहाँ पे होता क्या रहा है, और वो खाली बयान नहीं देंगे, उनके पास कुछ सबूत भी होंगे, क्योंकि इनके पास सारे सबूत होते हैं, इनकी हर जगह वीडियो चल रही होती है, और जब बात मिलिट्री पे आ गई ना तो सबूत पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल आएंगे, कौन कौन से कैमरे की रिकॉर्डिंग निकल आएगी, कौन लेके जा रहा था, क्या गुफ्तगू हो रही थी, किसको कॉल कर रहे थे, क्या कहा जा रहा था, कहे भांडे घाल दो, कड़ी घड़ी घाल दो, किथे की करना है, वो सारा कुछ उनके पास होगा। तो ये इमरान खान एक्चुअली अपनी तरफ से तो मिलिट्री को इसके दरमियान में फंसा रहे थे, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि ये उससे भी आगे चले जाओ। और एक बात बताऊं, फैज हमीद ने अपनी जान बचानी है किसी भी तरह से, और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है मेरी, मैं इस पे मेरे बड़े तहजात हैं कि अपनों ने अपनों को माफ कर देना है। बात जब बाजवा पे आई ना, और जब बात जनरल फैज पर आई, ये मियाँ साहब भी तो आ रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, ये मियाँ साहब ने पहले भी ट्राई की थी, अल्लाह ताला की जात उनको जिंदगी सेहत दे, वो दोबारा भी ट्राई करें कानून की हुक्मरानी के लिए, और जिन्होंने ये सब कुछ किया उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ये मियाँ साहब का मौकफ बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इससे बिल्कुल पीछे हटना ही नहीं चाहिए, हरकत नहीं हटना चाहिए। और अगर जनरल फैज ने अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी तो फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब आप जरूर दें और अपना ख्याल भी रखें। मेरा सवाल यह है कि अगर जनरल फैज ने इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी तो क्या इमरान खान बच जाएगा, और क्या जनरल फैज इमरान खान के खिलाफ गवाही दे सकता है? इस सवाल का जवाब जरूर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और उसके बाद ये जो वी लोग है इसको ग्रुप्स में सेंड करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज़।